पैदा हुई लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कैसे प्रपोज करते हैं यार, उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी तब वो किसी और को पसंद करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी, तब मैंने समझा लिया तो खुद को, मैं रास्ते से हट गया था। अब मैं उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता था यार, यही सोचा मैंने। हाय, हेलो, भाई मैं आपको सुबह से नोट कर रही हूँ, आप मुझे डिप्रेस से लग रहे हैं, क्या सब ठीक है? नहीं, डिप्रेस तो नहीं हूँ मैं, बस तबीयत थोड़ी बोझिल सी है। तो आप मुझसे छुपाएंगे? तुमसे कोई कैसे कुछ छुपा सकता है, तुम तो दूसरे की आंखों के रास्ते दिल में घुस जाते। अच्छा, तो अब मैं देखो जरा कि आपकी आंखों के रास्ते से दिल में कौन उतरा है जिसने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया। नहीं देख पाओगे क्योंकि मेरे दिल के रास्ते पर चंद कदमों के निशान नहीं है। ये तो शुक्र है कि मेरे दिल में उसका पड़ाव नहीं पड़ा। भाई ये क्या बात हुई, उसका पड़ाव नहीं हुआ या आपने उसे अपने दिल में जगह नहीं बनाने दी? उसके लिए पहले ही एक दिल मुंतजर था। क्या मतलब भाई, क्या कह रहे हैं आप, किसका दिल? देखो ऐसा, तुम मेरी बात अच्छे दोस्त की तरह सुनो, तुम्हें कुछ बताता हूँ। भाई मैं चाहती हूँ आप मुझसे शेयर करें, बताएं ना क्या हुआ है। बताता हूँ, हौसला तो रखो। मम्मी ने आपको बुलाया था, मैं तो भूल ही गई। मम्मी आ रही है, डांट पड़ेगी आप। भाई साहब, मैंने तुम्हें इसे बुलाने के लिए भेजा था, तुम यहाँ बातें करने बैठ गई हो और तुम्हें इतनी चोटें आई हैं, कोई सुकून नहीं, कोई आराम नहीं, कि आराम से रेस्ट करो। मम्मी वो बस दिल घबरा रहा था इसीलिए आयजा को मैंने रोक लिया था, मुझे कोई इतनी चोटें नहीं आई हैं जो अब इतना परेशान हो रही हैं। हैरत की बात है, इतनी ज्यादा चोटों पर तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा, वरना तुम तो जरा से सरदर्द पर वावेला मचा उठते थे। मम्मी होती हैं कुछ ऐसी चोटें जिनका दर्द नहीं होता, या फिर किसी और चोट का दर्द इतना गहरा होता है कि वो कोई और दर्द महसूस ही नहीं होने देता। कैसा दर्द, कैसी चोटें, कैसी बातें कर रही हो बेटा ऐसा? मेरी परेशानी तो देखो, एक यहाँ पट्टियाँ बांधे बैठा हुआ है और दूसरा हॉस्पिटल में पड़ा है, पता नहीं उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब आयजा तो मुझे ले चलो उसके पास। मम्मी अब परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ तो ठीक था तो उसे घर क्यों नहीं लेके आए? बस वो एक रात के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी था, सुबह आ जाएगा घर वो। फिर भी बेटा, मेरा बच्चा वहाँ अकेला है हॉस्पिटल में, क्या सोचता होगा कि उसे कोई देखने भी नहीं आया? मम्मी वो अकेला नहीं है, वहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर हैं उसका ख्याल रखने के लिए, मैं आपको कल ले जाऊँगा। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो। जी बस वो आयजा को मैंने एक कप कॉफ़ी का बोला है, बस पी के जाता। जी भाई मैं ला रही हूँ। हाँ याद आया, सुबह मैं भी अकरम को कहूँगी कि सदके के बकरे ला कर दे, अल्लाह ने मेरे दोनों बच्चों को बड़े हादसे से बचा लिया, अब रेस्ट कर लेना जाके। जी मैं कॉफ़ी लाती हूँ आपके लिए।
बेटा। जी माँ। बेटा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। माँ भूख नहीं है। अरे बेटा आ जाओ, थोड़ा सा कर लो, खा लो। माँ बहुत देर हो गई है, बिल्कुल भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे। बेटा मेरे हाथ से एक दो निवाला खा लो, चलो आ जाओ। शाबाश। अच्छा एक काम करें, बस चाय देते। अरे बहुत गर्म है लेकिन बहुत मजे की है। वैसे रिदा एक बात तो बताओ, तुम्हारी हॉस्पिटल में जॉब क्या होगी? माँ सच बताऊँ तो अभी तो मैं आयजा के साथ उसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही हूँ, आगे देखें इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। मैं समझी कि परमानेंट जॉब है। वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे आयजा बहुत अच्छी लड़की है, इतनी कमर से में उसने कितनी अच्छी दोस्ती कर ली है तुमसे। हाँ आयजा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल जाने में बहुत देर हो रही है, मैं जाऊँ? अच्छा भाई अल्लाह के हवाले, चलो मैं तुम्हें कैब तक छोड़ लूँ। ठीक है। अच्छा वैसे कैब सिर्फ आज तक ही है, उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल की तरफ से गाड़ी आएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी भी फिक्र कम हो जाएगी। चलें। भाई आपने रात को बात अधूरी छोड़ दी थी। मेरा ख्याल है मैं इसे फरीदा और दानियाल के बारे में कुछ ना बताऊं। हेलो आपसे पूछ रही हूँ। हाँ वो रात वाली बात। हाँ भाई रात वाली बात, अब आप ज्यादा बने मत, मुझे बताएं कौन है वो। वो थी एक लड़की कोई। कौन थी एक लड़की, उसका कोई नाम भी तो होगा ना। आयजा वो मेरी एक क्लास फेलो थी, हम लोग काफी अरसा साथ रहे। आपकी कोई क्लास फेलो है और मुझे ही नहीं पता। तुम जानती तो उसे। आपकी क्लास फेलो है, मैं भी जानती हूँ उसे। कहीं आप एमन की बात तो नहीं कर रहे। हाँ एमन, हाँ मैं एमन की बात करना चाह रहा था। लेकिन वो तो इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी ना। हाँ तो वो आ गई है ना वापस, हॉस्पिटल आई थी वो मुझसे मिलने, मुलाकात हुई है मेरी उससे। भाई इतने बुरे हैं आप, इतनी पुरानी बात आपने मुझसे कभी शेयर ही नहीं की। मैं तो समझा था कि आयजा तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुम्हें तो हर चीज पता होती है, टटोल लेती हो तुम। हाँ ये तो है। लेकिन भाई मैंने तो पहले कभी डॉक्टर एमन का अक्स तक आपकी आंखों में नहीं देखा। आयजा तुम उस पर शक कर रही हो। नहीं नहीं शक क्या करना है, लेकिन शुक्र है आपने ये बात मुझे बता दी। एक दो दिन आप ना बताते ना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। क्या मतलब क्या हो जाता? वो मैं कुछ और ही सोचने लग गई थी, मुझे लगा था कि शायद आपको रिदा पसंद आ गई है। तुमने मार्केट जाना था, रास्ते से कुछ चीजें भी लेनी थी ना। मैंने तो बहुत जरूरी चीजें लेनी है। शुक्र है आपको याद है भाई, मैं बस जा रही हूँ, आप भी चले ना। शुक्र है इसने अब मेरी आंखों में नहीं देखा, वरना ये जरूर मेरा एमन वाला बोला हुआ छोर भी पकड़ लेती है। ऐसे एमन का नाम लेकर मैंने अच्छा नहीं किया, अब आयजा तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी, जबकि मेरे और एमन के दरमियान तो कुछ था ही नहीं। था तो मेरा और रिदा के दरमियान भी कुछ नहीं, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों वो मेरे दिल को अच्छी लगी। शुक्र है मैं उसके लिए भी सीरियस नहीं हुआ था, वो मेरे दोस्त दानियाल की पसंद है, अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। मेरे दिल का क्या है इसे तो मैं समझा ही लूंगा। भाई हेलो क्या हो गया? हाँ आए ना। हाँ चल। पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। I'm so sorry, मुझे लगा आयजा यहीं पे होगी।
वो बस आती होगी, वो दोनों साथ ही हैं, यही आएंगे सीधा। आप आए ना, बैठे। थैंक यू। मैं आयशा को ढूंढ रही थी तो वो रूम में नहीं थी और डॉक्टर सिकंदर भी अपने रूम में नहीं थे। आयशा बस रास्ते में होगी, आती होगी। क्या मैं इसे अपना हाले दिल कह दूं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। चोट में दर्द वगैरह कुछ? नहीं नहीं, चोट तो छोटी सी है, कोई खास दर्द भी नहीं है। शुक्र अल्लाह। आपकी अम्मी और बहन नहीं आए आपको देखने? उन्हें मैंने एक्सीडेंट का बताया नहीं अभी तक। मैं काम करती हूँ, मैं डॉक्टर आयशा का उनके वार्ड में ही वेट कर लेती हूँ, वो आ जाएंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। रिदा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, एक बात करनी है। मुझसे? हाँ। सिकंदर आओ। और तुम कब आए? वो रिदा आयशा का पूछ रही थी। डॉक्टर आयशा अपने वार्ड में नहीं है। हाँ वो आयशा मार्केट गई हुई है, बस आ रही होगी, कुछ चीज़ें लेनी थी उसने। आप प्लीज़ बैठिए ना। नहीं मैं उनके वॉचमैन का वेट कर लेती हूँ। मैं तो बात ही नहीं कर पाया उससे यार, मैं सोच ही रहा था कि बोलूँगा और मैं कबाब में हड्डी बन गया है ना। दोस्तों को मैं कबाब में अड्डी नहीं समझता यार, क्या हो गया? अच्छा ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बहाने से ड्रॉप करने चले जाना और रास्ते में बात कर लेना। सूरत लगेगा। अम्मी आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। वाह ये आज आपको क्या सूझे जो आपने इतनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है? बस मेरा दिल कर रहा था, निकाल ली। ये देखो तुम्हारे लिए ये मैंने गोल्ड का सेट बनवाया है, बहुत खूबसूरत है। और ये जो डायमंड्स का है ना, इसका मुझे सबसे अच्छी ये माथा पट्टी लगती है, लगा के देखो कितनी खूबसूरत लगेगी तुम पे। ये सेट मुझे इतना पसंद आया था मैंने ऑर्डर करवा दिया तुम्हारे लिए। It's beautiful. और ये जो कड़े हैं ना, पहन कर दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। और ये माथा पट्टी तो अम्मी बहुत खूबसूरत है, मैं सोच रही हूँ कि ये हम भाई की दुल्हन को दे दें, वो बहुत प्यारी लगेगी। और ये जो सेट है ना, ये हम भाई की दुल्हन को वो दिखाई पर दे देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हारा वक्त खैर खैरियत से जल्दी लेके आए, अपनी ज्वेलरी खुद पहनो तुम। आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने दानी भाई की दुल्हन के लिए क्या क्या रखा हुआ है? तो ये बात है। उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ बनवा के रखा है, जब वक्त आएगा ना दिखाऊंगी तुम्हें। हो सकता है कि वक्त आ ही गया हो। क्या मतलब है? अम्मी अब आप देखें ना, मेरा एक ही तो भाई है और मैं सोचती हूँ कि इस घर में हम दोनों कब तक अकेली रहेंगी। आपको ये घर सुना सुना नहीं लगता? रफिया मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ पहेलियाँ से बुझवा रही हो, तो साफ साफ बताओ बच्चे तुम क्या बात करना चाहती हो। देख ले आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? भाई अगर डांट वाली बात हुई तो जरूर पड़ेगी डांट तुम्हें। वो अम्मी मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद आई है, बहुत भोली सी है,
मासूम है और बिल्कुल वैसी है जैसी आप बहू चाहती हैं। कौन है वो लड़की, किसकी बात कर रही हो तुम? अब अम्मी आपको रिदा तो याद होगी ना। रिदा? कौन रिदा? अब अम्मी वो जिसके फादर की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। खबरदार जो आई था तुमने ऐसा मजाक किया तो। अम्मी ये मजाक नहीं है। अगर ये मजाक नहीं है तो और भी ज्यादा बुरी बात है। अम्मी वो बहुत नेक लड़की है, बहुत बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है। बड़े खानदान से ताल्लुक है? पूरे जहान में वो सिर्फ दो माँ बेटियां ही हैं। देखा था ना जब उनकी डेथ हुई थी, कितने रिश्तेदार थे उनके उस पे। अम्मी से क्या फर्क पड़ता है? रफिया, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मुझे अच्छी लगी थी। दुनिया भर की कवारी लड़कियां क्या मर गई हैं जो तुम्हें एक बेवा लड़की ही मेरे बेटे के लिए पसंद आई है? खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के लिए ऐसी वैसी लड़की को पसंद किया। तो मूडी बिगाड़ के रख दिया है। सारे जहान में उसको पता नहीं कहां से वो बेवा लड़की पसंद आ गई है। इसके दिमाग में आई कहां से? और कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। मेरे काम देखकर मजा आया? बहुत इंप्रेस हूं मैं आपके काम से। आपने तो बच्चों के वार्ड का पूरा माहौल ही बदल दिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। तुम तो जानती होगी रंगों की हमारी जिंदगी में एक खास अहमियत होती है। ये हमारे एहसासात और जज्बात को अचानक से बदल कर रख देते हैं। हाँ, मगर हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जिंदगी के एहसासात और जज्बात ये रंग नहीं। इनकी मुकद्दर बदलते हैं। अगर अच्छे मुकद्दर ना हो तो जिंदगी रंगीन नहीं, गमगीन गुजरती है। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। देखो रिदा, इंसान अपनी जिंदगी के रंग अपनी आस और उम्मीद से बनाते हैं, वरना मायूसी तो इन सब रंगों को बिखेर कर रख देती है। ये भी ठीक है। खैर, हम तो अभी बच्चों के वार्ड की बात कर रहे थे ना। और ये मुस्कुराहट जिंदगी का सबसे हसीन रंग होता है, जो हमारी उदासी और मायूसी को खुशी में बदल देता है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप नहीं, तुम। दोस्ती में ये तकल्लुफात नहीं होते। ये तुम्हारा आज का पहला लेसन है। परफेक्ट, आई गॉट इट। चलो अब। सर, इंजेक्शन भी लग गया और ड्रेसिंग भी हो गई है, तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ। इसे अल्लाह का शुक्र है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? मैंने सुना कोई एक्सीडेंट करा लिया। सिकंदर, जरा चोटें तो नहीं आई? दिखाओ कितने स्टिचेस हैं। तुम्हें किसने बता दिया? आते ही ना सलाम ना दुआ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दानियाल को ज्यादा चोटें आई, देखो स्टिचेस लगे हुए। ओह दानियाल, I'm so sorry। कैसे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? और तुम दोनों में से कौन इतनी लापरवाही से ड्राइव कर रहा था? ड्राइव तो दानियाल कर रहा था, लेकिन भाई पता नहीं किसके ख्यालों में गुम थे कि सीट बेल्ट ही नहीं लगाई। अरे आयजा, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक। ये कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रिदा। माशाल्लाह, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत प्यारी है।
गायब हो गई थी लोगों के चैन चुरा के। कॉफी कॉफी का ऑर्डर दिया किसी ने? हाँ मैं भी कॉफी लेके आता हूँ सबके लिए। भाई कुछ खाने को लेते आना प्लीज। बैठो आओ। और बताओ कब आए वापस? अभी कुछ दिन पहले। अच्छा तो शादी वादी हो गई तुम्हारी? क्या हो गया तुम्हें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं झंझट से आजाद हूँ अभी। क्या मतलब झंझट? तो टाइम आ गया है, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ ना। अभी सोचा नहीं है। अच्छा चलो इस बारे में बाद में बात करें। और तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं यार, बस टेंशन। बस ये लोग पता नहीं एक्सीडेंट करा के बैठ गए। अम्मी ने तो मेरी जरा सी बात की इतनी टेंशन ले ली है। उन्हें जब पता चलेगा कि दानियाल भाई रिदा से ही शादी करने की जिद लगा बैठे हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उफ अल्लाह मैं क्या करूं और अम्मी को कैसे समझाऊं? दानियाल भाई भी आज वापस आ जाएंगे और उन्हें देखकर तो अम्मी और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। चलो अभी तो मुंह ठीक करूं इनका। बच्चों से नाराज नहीं रह सकती तो आप एक्टिंग क्यों करती हैं? मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर रही, वाकई तुमसे नाराज हूं। अच्छा आप सचमुच में मुझसे नाराज हैं? चले मैं सॉरी करती हूँ। सॉरी नहीं, वादा करो मुझसे कि आइंदा तुम इस किस्म की कोई बात मुझसे नहीं करोगी। वादा? हाँ वादा। वादा क्यों, किसी और से कर चुकी हो? नहीं मैं वादा किससे करूंगी? अच्छा तो फिर तुम मुझसे वादा कर लो कि आइंदा उस लड़की के मामले में तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, अगर दानियाल चाहे तब भी। दानियाल भाई? हाँ दानियाल, तो तुम उसी की जुबान तो बोल रही थी। तुम बीच में नहीं आओगी, सिर्फ ये वादा, बाकी दानियाल को मैं खुद समझा लूंगी। बजे की कॉल आ रही? अस्सलाम वालेकुम बजिया। क्या हाल है, कैसी हैं आप? आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मैं तो तुम्हें याद करती रहती हूँ, तुमने ही मुझे याद नहीं रखा। कहाँ बजिया,
मैं तो आपको फोन करती रहती हूँ ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आयजा का कहीं रिश्ता तो नहीं किया ना? नहीं आपा, लेकिन आजकल सीरियसली सोच रहे हैं उसके बारे में। एक दो प्रपोजल आए हैं उसके। फिलहाल तुम्हें कोई प्रपोजल देखने की जरूरत नहीं। क्या क्या मतलब बच्चिया? बस मतलब मैं तुम्हें आके समझाऊंगी। अरे अब पाकिस्तान आ रही है कब? मैंने समर से कहा है कि अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करें, जैसे ही उसकी छुट्टी कंफर्म होगी हम फौरन पाकिस्तान की टिकट्स बुक करवा लेंगे। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुना दी आपने, मैं तो शिद्दत से आपका इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो, आयजा को बहुत प्यार देना, मैं आती हूँ तो फिर डिटेल से बैठ के बात करेंगे। जी बजिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और समर को प्यार दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बजिया और समर पाकिस्तान आ रहे हैं, लगता है किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं, और वो मकसद आयजा है मेरा ख्याल। ओके गाइस, मेयर बाबा शाम को तुम दोनों की तबीयत पूछने आएंगे घर। मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी आओ, अपना ही घर समझो। वैसे अगर आप लोग चाहें तो मैं रिदा को घर ड्रॉप कर सकती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, हम कर देंगे ड्रॉप। ओके, एज यू विश। अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये आप मुझे दे दें, गाड़ी मैं चला रही हूँ। आयजा ये क्या बात हुई, सुबह भी तो मेरे साथ आई हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई सुबह सिर्फ हम दोनों थे, अब इस बात का क्या मतलब है भाई? कुछ नहीं, मुझे लगता है शायद हम चारों साथ होते हैं तो हमें नजर लग जाती है। चलो रिदा, तुम आगे बैठोगी और आप दोनों प्लीज पीछे तशरीफ रख दीजिएगा। यार इससे पहले रिदा से कोई और बात कर ले, मैं बात करना चाहता हूँ उससे। दानियाल मुझे पहले बताते। अच्छा चलो मैं करता हूँ कुछ, प्लीज यार। आयजा क्या हुआ भाई? आयजा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर में, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। भाई क्या हो गया आपको? पता नहीं यार बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा यार। क्या हो गया अचानक से, कैसे हो गया इस तरह? मुझे लगता है वो एक्सीडेंट की वजह से ना अभी शायद चोट गहरी है, मुझे लगता है स्कैन करना पड़ेगा। तो भाई चले फिर हॉस्पिटल चलते हैं, चेक करवाते हैं। आ जाए सब करने की क्या जरूरत थी? फिर और मैं क्या करता, तुम्हारी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी थी। तो कुछ और कर लेते। मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर लिया। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, आयजा को बोलो मैं यही रुकूंगा, वो मेरे साथ ठहरे यहाँ पे। यानी कि तुम चाहते हो मैं रिदा को ड्रॉप करूँ इस हालत में? यार मतलब भाई आशिकों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तुम्हारी ये छोटी इतनी सीरियस नहीं है। ठीक हो तुम तो। जाओ ना, मैं कह रहा हूँ जाओ। थैंक्स यार। वैसे तुम परेशान मत हो, सिकंदर भाई को कुछ नहीं होगा। क्या मतलब कुछ नहीं होगा, तुमने देखा नहीं था उनकी हालत कितनी खराब हो रही थी? रिलैक्स प्लीज, सब सही हो जाएगा। दानियाल कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। अल्लाह का शुक्र। लेकिन फिर उनके सर में इतना शदीद दर्द क्यों हो रहा था? प्लीज सही से चेक करो, कोई और इशू ना निकल आए। वो इसीलिए थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, स्कैनिंग के बाद पता चल जाएगा, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। रिदा तुम तो अपनी अम्मी को कॉल कर लो, परेशान हो रही होंगी खामखा। नहीं नहीं, कॉल करने की क्या जरूरत है, अम्मी आंटी परेशान हो जाएंगी ना, अकेली हैं वो, और सिकंदर का सुन के परेशान होंगी। मैं छोड़ आता हूँ रिदा को। नहीं प्लीज आप लोग परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं कैब से ही चली जाऊंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, हमारे होते हुए आपको कैब की क्या जरूरत है, मैं आपको छोड़ आता हूँ, इट्स ओके। हाँ रिदा
तुम्हें कैब बुलाने की क्या जरूरत है? यह ना तुम्हें ड्रॉप कर आएगा। तुम जाओ, इस तरह सेफ भी नहीं होता। चलो, अपना ख्याल रखना और परेशान मत होना। थैंक यू। आयजा तुम्हें सिकंदर बुला रहे हैं अंदर। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। चल। जिस लड़की ने मेरे साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठकर जाना कबूल नहीं किया, वो मेरी बात कैसे समझेगी? समझना तो दूर की बात, मुझे तो लगता है मेरी बात सुनेगी नहीं। मुझे किसी भी सूरत इनके साथ नहीं आना चाहिए था। मम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो? अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। मुझे कैब पे ही आना चाहिए था।